हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम लाइक स्टडी मटेरियल्स हो गए, वैल्यू एडेड मटेरियल्स हो गए, करेंट अफेयर हो गए, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है clearis.com पे। सो प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था राइज ऑफ मगध, ठीक है। कॉजेज हमने देखे थे ज्योग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये सब हमने कहा देखा था लास्ट वीडियो में देखा था। अब इसमें हम देखेंगे प्री मौर्यन एम्पायर के बारे में कि कौन कौन सी डायनेस्टीज हमारी मौर्यन एम्पायर से पहले आई थी। मौर्यन एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्टैब्लिश किया था, उससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज थी एंड प्री मौर्यन एम्पायर के टाइम के कुछ हम लोग देख लेंगे कि पॉलिटिकल यू नो फैक्टर्स हो गए वहाँ कैसा था एंड इकोनॉमिक कल्चर वो कैसा था। तो ये सारी कुछ चीजें भी हम इसमें कवर कर लेंगे। ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पर्शियन इन्वेजन एंड ग्रीक इन्वेजन हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज प्री मौर्यन एम्पायर। सो 6 से 4 सेंचुरी BC अगर हम देखेंगे तो मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था, रिच स्टेट था। हमने कॉजेस देख लिए कि किन किन कॉजेस की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से मगध पावरफुल और रिच स्टेट बना। सो अगर अर्लीस्ट नोन किंग की बात करेंगे तो पहले क्या कौन थे? बृहद्रथ थे, वो अर्लीस्ट नोन किंग थे मगध के। उनका नाम ऋग्वेद और पुराणों में भी अपेयर हुआ है। बट अगर हम मगध की ग्रोथ की बात करेंगे तो वो हर्यंका से शुरू हुआ, देन शिशुनाग, देन नंदा, देन मौर्यन के टाइम पे जो मगध का जो ग्रोथ था, जो इतना ज्यादा पावरफुल जो हो गया था मगध, वो मौर्यन के टाइम पे ही हुआ था। अब हम वन बाय वन डायनेस्टी देख लेते हैं। पहले है हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी में पहले कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। बिंबिसार वॉज द सन ऑफ भाटिया एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ही रूल फॉर 52 ईयर्स फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। ये बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग वो 52 ईयर्स उन्होंने रूल किया। फिर ये कंटेम्प्रेरी थे एंड फॉलोअर थे बुद्धा के। ये सब आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन कंटेम्प्रेरी या फॉलोअर थे बुद्धा के, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं। सो इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके एंड ये बोला जाता है कि ये एडमायरर भी थे महावीरा के, जो कंटेम्प्रेरी थे इनके भी। सो एक तरीके से ये कंटेम्प्रेरी एंड फॉलोअर थे बुद्धा के एंड ही इज ऑल्सो दी कंटेम्प्रेरी टू महावीरा। अगर हम पुकारसती की बात करें तो ये पेट्रन थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के, अजात शत्रु बुद्धिज्म के पेट्रन थे। तो ऐसे हमें याद रखना है कि कौन कौन कंटेम्प्रेरी थे या पेट्रन थे किन जैनिज्म के कि बुद्धिज्म के। तो बिंबिसार के टाइम पे फर्स्ट कैपिटल मगध की क्या थी? गिरिवराज या राजगृह जिसको बोलते हैं, या राजगीर थी, जो हमारी सराउंडेड थी ऑन ऑल साइड्स बाय 5 हिल्स। तो एक तरीके से ये डिफेंस का जो उनका फोर्ट था, ये राजगीर वाला जो कैपिटल था, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी ये फोर्ट था। देन बिंबिसार वॉज द फर्स्ट मोनार्क टू मेंटेन अ परमानेंट आर्मी, ऑल्सो नोन एज सेनिया या शिनिया अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट। सो जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो बिंबिसार था वो पहला किंग था, पहला रूलर था जिसके पास एक परमानेंट आर्मी थी। एंड परमानेंट आर्मी होने की वजह से, इतनी एडवांस्ड आर्मी, वेपन सिस्टम, ये सब होने की वजह से उनको सेनिया या श्रिनिया भी बोला जाता है। एंड उन्होंने कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो करी। अगर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट अगर हम बिंबिसार का देखेंगे वो है अंग। सो उन्होंने अंग को जब एक्वायर किया तो यहाँ से कैपिटल जिसकी चंपा है, तो यहाँ से उनको क्या हुआ? चाइना का पूरा ट्रेड मिला, स्वर्ण भूमि का पूरा ट्रेड उनको मिला। और उन्होंने चंपा को अजात शत्रु को सौंप दिया कि जाओ तुम वहां पे जाके रूल करो। देन ही वॉज द अर्लियस्ट इंडियन किंग टू स्ट्रेस द नीड ऑफ द इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये पहले इंडियन किंग थे जिन्होंने बोला कि अगर हमें अपने आप को फॉरेन इन्वेजन से बचाना है या फिर हमें अगर रूल करना है प्रॉपरली ऑल ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट, तो हमें एक एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर हम पोस्ट मॉडर्न के बाद की बात करेंगे, मीन्स पोस्ट मॉडर्न से लेके अगर हम मेडाइवल तक की बात करेंगे, सो कहीं ना कहीं हमें डिसेंट्रलाइजेशन या फ्यूडलिज्म दिखता है। बट हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखेंगे तो हम वैदिक से मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। वैदिक से अगर आप मौर्यन एम्पायर में जाओगे तो सेंट्रलाइजेशन आपको दिख जाता है।
इकोनॉमी में भी चेंजेस आते हैं एज वेल। और पोस्ट मॉडर्न से लेके अगर मेडाइवल में देखेंगे तो हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन और फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है। तो बिंबिसार वो पहले किंतु जिन्होंने बोला कि हमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सके अपने जितने भी एनेक्स्ड किंगडम्स उन्होंने एनेक्स किए हैं, अपने जितने भी प्लेसेस हैं जो उनके किंगडम के अंदर आते हैं उन सबको वो प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ही सेड कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत है। इसीलिए उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी ऑर्गेनाइज कराई जिसमें महामताज थे रॉयल ऑफिसर्स और उनको बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड करके रखा था। अब अगर हम उनके कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करेंगे सो उनकी राइवलरी अवंती के किंग प्रद्योत्ता के साथ थी, बट लेटर वो फ्रेंड्स बन गए। सो इवन बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन जीविका को भी उज्जैन भेजा था जब प्रद्योत्ता को उस टाइम जॉन्डिस हो गया था। एंड एक्सपेंशन में उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तो उन्होंने किया, साथ साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी काफी ज्यादा बने। सो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए तो उनकी तीन वाइफ जो थी कोसला देवी, चेलना एंड खेमा, जिसमें कोसला देवी कोसला की जो किंग कोसला थी उनकी डॉटर थी एंड प्रसन्नजीत की बहन थी। सो जिसकी वजह से कोसला उनको डाउरी में मिल गया, काशी उनको डाउरी में मिल गया बिंबिसार को जब कोसला देवी से शादी हुई। फिर हमने पहले देखा कि बिंबिसार कंटेम्प्ररी है महावीरा के, तो वो कैसे हुए? देखो चेलना कौन थी, वो डॉटर थी चेतका की। चेतका वॉज अ लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली जो त्रिशिला के भाई थे। त्रिशिला कौन थी, ये महावीर की मदर थी। तो एक तरीके से ये लिंक्ड थे महावीर से भी, तो कंटेम्परेरी हुए ये महावीर के भी एक तरीके से। देन खेमा या केशमावास, ये डॉटर थे किंग ऑफ मद्रा पंजाब। सो इस तरीके से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया एंड मैट्रिमोनियल अलायंस से उनके जो एक्सपेंशन था ऑफ हिज किंगडम वो भी बढ़ा। सो उन्होंने अलग अलग प्लेसेस को एनेक्स करना भी चालू किया, लाइक काशी तो उनको डाउरी में ही मिल गई थी। सो इस तरीके से मगध वॉज रोज टू दी सुप्रीमेसी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंपीरियल एक्सपेंशन, मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड एवरीथिंग। फिर तक्षशिला पुकुसती या पुष्करासरीन जो गांधार एम्परर थे, उन्होंने एक एम्बेसी भी स्टैब्लिश करी बिंबिसार एट बिंबिसार। एंड बिंबिसार को फिर किसने सक्सीड किया, उनके बेटे अजात शत्रु ने। अजात शत्रु बोला जाता है अजात शत्रु ने अपने फादर को मार के एंड देन उन्होंने वो किंगडम एक्वायर किया मगध की, वो गद्दी पे बैठे, थ्रोन पे बैठे। मीन्स कि ये था कि बिंबिसार को अजात शत्रु ने वो जेल में बंद कर दिया था डंजन में एंड ही वाज स्टार्व टू डेथ एंड एवरीथिंग। सो आफ्टर बिंबिसार अजात शत्रु है। सो अगर हम बिंबिसार की बात करेंगे सो बहुत ही इफेक्टिव और एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था एंड उन्होंने कुछ ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे हाई पोस्ट पे, और उनके जो हाई पोस्ट थी वो डिवाइडेड थे तीन में, एक एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल। फिर अगर हम आजाद शत्रु की बात करेंगे तो आजाद शत्रु ने बिंबिसार को मारा एंड ही सीज द थ्रोन। सो वो छेलना के बेटे थे जो लिच्छवी प्रिंसेस थी उनके बेटे थे। सो आजाद शत्रु ने जब अपने बाप बिंबिसार को मारा तो जो महाकोसला देवी थी, जो कोसला की जो वो थी राजकुमारी प्रिंसेस थी, वो भी शी ऑल्सो डाइड ड्यू टू द ग्रीफ, जिसकी वजह से जो प्रसन्नजीत थे द किंग ऑफ कोसला, उन्होंने काशी वापस ले लिया अजात शत्रु से। एंड देन एक वॉर हुई अजात शत्रु और प्रसन्नजीत के बीच में जिसमें कोसला हार गया, दैट इज प्रसन्नजीत हार गया। एंड प्रसन्नजीत को अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, अपनी जो बेटी वजीरा थी उनकी शादी करानी पड़ी अजात शत्रु से। सो अजात शत्रु की ऑल्दो माँ चेलना थी जो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, बट स्टिल अजात शत्रु लिच्छवी के साथ भी वो वॉर पे गए क्योंकि उन्होंने अक्यूज किया लिच्छवी को कि आप कोसला के साथ अलायंस बना रहे हो तो ही अटैक लिच्छवी एज वेल। तो उन्होंने ये वैशाली और वज्जी को उन्होंने कैसे एक्वायर किया, बिकॉज उस टाइम वैशाली और वज्जी काफी ज्यादा बड़े किंगडम्स थे। सो उन्होंने बाय इफेक्टिव मंत्रीज मिनिस्टर्स, सो उन्होंने धोखाधड़ी डिसीट का उन्होंने रास्ता अपनाया। सो उनके एनिमीज जो वैशाली में, एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के जो एनिमीज थे उनकी जो पॉपुलेशन थी जनरल पॉपुलेशन, उनके बीच में एक डिस्कॉर्ड डिसेंशन एक तरीके से फॉर्म किया जिसकी वजह से वैशाली और वज्जी क्या हुए, वो डिफीट हो गए। अगर हम तीन चीज जो देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी टू द डिफीट ऑफ वज्जी, वो तो पहले थे सुनीधा एंड वत्सकारा जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे आजाद शत्रु के, देन रथ मूसला एंड महाशील कंटका। रथ मूसला क्या है, इफ यू हैव सीन बाहुबली मूवी, सो उसमें जो भल्लाल देव के पास जो रथ नहीं है जिसके आगे मशीन लगी हुई थी जो रोटेट करती थी एंड सब वो जाता था तो सब ऐसे मर जाते थे, राइट? तो रथ मूसला वही था कि आपका रथ है उसके आगे आपका व्हील टाइप का लगा हुआ है जिसमें बहुत शार्प नाइफ है। एंड महाशील कंटका
एक कैटापोल्ट की तरह आप समझ लो कि एक साइड क्या होता था कि यहाँ पे आप वेट डालते थे एंड फिर आप पुश करते थे उसको या फिर आप ऐसे आग लगाते थे एंड ये सीधे जाके थ्रो, ये भी आप अगर बाहुबली अगर आप देखे होगे तो उसमें ये भी था, शीलकंठका का भी एक दिखाया हुआ था। मतलब अगर आप पुरानी पुरानी नॉट हिस्टोरिकल मूवीज देखोगे, वॉर वाली मूवीज एज सच देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, ये महाशीलकंठका हो गया था, कैटापुल्ट की तरह ये काम करता है एक तरीके से। एंड रथ मूसला इज लाइक भल्लाल देव का, वो जो आपने रथ देखा था ना वो सेम वही है। फिर अजात शत्रु ने ये फोर्टिफाइड दी राजगृह एज वेल बिकॉज उसको डर था कि अवंती इन्वेड कर सकता है, जो एक्चुअली हुआ नहीं था, बट स्टिल ही फोर्टिफाइड द राजगृह बिकॉज उस डर से कि अवंती कहीं इसको एनेक्स ना कर ले। देन अजात शत्रु ने एक स्मॉल फोर्ट बनाया जिसको पाटलीग्राम बोला गया, जो बाद में क्या बना, पाटलीपुत्र बना। एंड उन्होंने धातु चैत्य भी बनाया अराउंड द सिटी ऑफ राजगृह बुद्धा की डेथ के बाद। देन उन्होंने रिपेयर किए 18 महावीरास एंड वो फ्रेंड थे जैन एंड बुद्धिस्ट दोनों के, एंड वो पेट्रन थे देवदत्ता के। देवदत्त कौन थे, कजिन थे बुद्धा के। एंड ऑल्सो उन्होंने कन्वीन कराई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा इन 483 BC। दिस इज इम्पोर्टेंट। देन अगर हम स्टोरी देखेंगे, अजात शत्रु का बुद्धा के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, सो वो हमारी भरत स्कल्पचर में मेंशनड है ऑफ 2nd सेंचुरी BC। सो स्टोरी ऑफ अजात शत्रु कन्वर्सेशन विद बुद्धा इज मेंशनड इन द भरत स्कल्पचर ऑफ 2nd सेंचुरी BC। देन अजात शत्रु देन मर गए और उनको किसने मारा, उनके सन उदयन ने मारा फॉर द थ्रोन। अगर हम इस मैप में बात करेंगे सो यहाँ पे देखो हरियंका डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी। सो हरियंका डायनेस्टी अभी श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा ये एनेक्स किया। एंड देन शिशुनाग ने आगे कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैन किया। सो ये आपकी हरियंका एंड शिशुनाग डायनेस्टी आपकी है। नेक्स्ट अगर उदयभद्र या उदाइन, सो 460 BC से 444 BC। सो बुद्धिस्ट राइटर के अकॉर्डिंग अजात शत्रु को उनके बेटे उदाइन ने सक्सीड किया। सो जो उदाइन का जो रेन था, राज करने का जो समय था, वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जो किस किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है, सोन एंड गंगा। एंड उन्होंने फिर राजगृह से पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। ये इसीलिए किया गया बिकॉज मगध किंगडम सेंटर में रहे, ओके, बिकॉज अब वो हिमालयस के साइड भी एक्सटेंड करा था नॉर्थ में टू द हिल्स ऑफ छोटा नागपुर इन द साउथ। सो एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए था। सो पाटलिपुत्र बहुत ही सही प्लेस थी बिकॉज वो एक तरीके से इट वॉज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, तो जिसकी वजह से वो ऑल ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट ट्रेड कर सकता था। दैट्स वाई ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया था राजगृह से पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट करने का। फिर आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। सो हरियंका डायनेस्टी में बिंबिसार, अजात शत्रु एंड देन उदयभद्र, उदयन। सो अगर हम बिंबिसार की बात करेंगे तो इनमें यही है, उन्होंने कैपिटल गिरिवराज राजगृह रखा, सेनिया श्रेनिया उनको बोला जाता था। देन उनके ये मेट्रीमोनियल अलायंसेस काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अजात शत्रु में बात करेंगे कि मतलब स्टोरी तो आपने समझ ली स्टोरी क्या है, बट उनका मेन अगर देखा जाएगा सो वैशाली को जब उन्होंने डिफीट किया सो उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने रोल प्ले किया वो हो गया, ये इनका इंपॉर्टेंट हो गया। देन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो उन्होंने कन्वीन कराई एंड जो स्टोरी है अजात शत्रु की बात जो बुद्धा से वो कर रहे थे तो वो कहाँ पे मेंशनड है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उदयन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अब आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। सो अकॉर्डिंग टू द श्रीलंका क्रॉनिकल्स, सो श्रीलंका क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग जो लोग थे मगध के, उन्होंने नागदस्का के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। एंड नागदस्क एक तरीके से जो हरियंका डायनेस्टी है ना उसके एक लास्ट रूलर थे, तो उनके अगेंस्ट क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। एंड उन्होंने वहां के जो अमात्य मिनिस्टर थे शिशुनाग, उनको किंग के तौर पे बैठा दिया था। शिशुनाग डायनेस्टी लास्टेड फॉर 413 to 345 BCE। फिर शिशुनाग के बारे में बात करेंगे तो शिशुनाग मिनिस्टर थे महाजनपद काशी के बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ द मगध एम्पायर, ये मिनिस्टर थे काशी के। एंड शिशुनाग ने भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कंटिन्यू की, जो हरियाणा की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी तो शिशुनाग ने भी वही कंटिन्यू की। इन्होंने शिफ्ट कर दिया कैपिटल गिरिवराज से वैशाली। सो शिशुनाग ने क्या किया, गिरिवराज से वैशाली शिफ्ट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या था कि इन्होंने उज्जैन को एक तरीके से पूरी तरीके से
डिस्ट्रॉय कर दिया था, अवंती को एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बीच में जो मगध और अवंती के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था वो एक तरीके से खत्म हो गया था। सो उनका ये यही था मेन अचीवमेंट, यही हो गया था कि एक तो देवराज से वैशाली उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, दूसरी उन्होंने क्या किया बाय डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ द अवंती, उन्होंने एनेक्स भी किया अवंती को, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था अवंती 100 ईयर ओल्ड जो राइवलरी थी मगध और अवंती के बीच में वो भी खत्म हो गई। सो अवंती क्या बन गया, मगध एम्पायर का पार्ट बन गया, एंड अवंती मगध एम्पायर का पार्ट बना रहा टिल द एंड ऑफ द मौर्यन रूल। फिर कालाशोका या काकावर्णा आते हैं, तो शिशुनाग वो सक्सीडेड बाय कालाशोका काकावर्णा। फिर उन्होंने क्या करा, शिफ्ट कर दिया कैपिटल मगध से पाटलिपुत्र, उनके रेन में क्या हुआ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नंदी वरदान जो सन थे कालाशोका के, वो लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के। ये आपकी शिशुनाग डायनेस्टी की प्री मौर्यन टाइम पे की कितना एक्सपेंशन हुआ था मगध एम्पायर का, ये पूरा है इसमें, जिसमें आपकी अहिचित्रा, श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, देन ताम्रलिप्त, कौशंबी, वाराणसी, ये सब कुछ आ गया आपका एक तरीके से। फिर आते हैं लास्ट नंदा डायनेस्टी। तो नंदा हमारे फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी मगध एम्पायर में, ये क्षत्रिय नहीं थे। सो पहले रूलर जो थे नंदा के वो कौन थे, महापद्मानंद, जिन्होंने कालाशोका को हटा के वो खुद बैठे। जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के महापद्मानंद, उनको बोलते थे एक रथ या एक छत्र या सर्व क्षत्रियंत का। सो एक छत्र मीन्स दैट उन्होंने पूरे अर्थ को या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक अम्ब्रेला के अंदर वो लेके आए। देन आपका नेक्स्ट आता है सर्व क्षत्रंत का, मीन्स उन्होंने सारे क्षत्रिय किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। देन उन्होंने जितने भी अदर किंगडम्स थे उस पीरियड के, से पांचाल, काशी, कलिंग, अश्वाका, कुरु, मिथिला, सोरसेन्स और जितने भी किंगडम्स थे उसको डिफीट किया, उसको एनेक्स किया, बट उनका जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज एज पर द पुराण वो शूद्रा विमेन के वो बेटे थे, जो लास्ट शिशुनाग किंग थे, ही वाज द सन ऑफ द लास्ट शिशुनाग किंग फ्रॉम अ शूद्रा शूद्रा वुमेन, तो वो शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनका ओरिजिन एज सच क्लियर नहीं है। कुछ जैन टेक्स्ट या ग्रीक राइटर कर्टियस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि वो बार्बर या कोर्टसन के बेटे थे। सो इसीलिए उनका ओरिजिन नहीं क्लियर है कि वो शूद्र थे, क्षत्रिय थे, आर्यन थे, नॉन आर्यन थे, वो क्या थे, उनका ऐसा सच स्टेटस नहीं क्लियर है। सो नंदा एक तरीके से अधर्मिका, दैट इज हु दोज हु डजंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ धर्म, वो कहा जाता है उनको अधर्मिका। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं नंदा को एज बिलोंगिंग टू द अनाथ कुला, दैट इज अननोन लीनियज, उनकी लीनियज के बारे में, पूर्वजों के बारे में नहीं पता है। तो महापद्मानंद के अंदर जो एम्पायर था नंदास का, वो काफी ज्यादा ग्रो किया, वो कुरु कंट्री से लेके इन द नॉर्थ, वो गोदावरी वैली इन द साउथ तक पहुंचा, एंड मगध ईस्ट टू नर्मदा। सो कुरु हो गया हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक, दैट इज कुरु से गोदावरी वैली, एंड अगर ईस्ट से बात करें तो मगध से नर्मदा तक उन्होंने पूरा एक्सपैंड किया। सो महापद्मानंद को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने कोशला को भी कॉन्कर किया। देन अगर हम देखेंगे सो कलिंग को भी उन्होंने कॉन्कर किया, और कलिंग के बारे में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला में लिखा हुआ है। और जब उन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया तो वहां से उन्होंने क्या लाए, वो उन्होंने इमेज ऑफ जिन्ना लाया एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। उन्हें उग्रसेन भी बोला जाता है इन पाली टेक्स्ट, बिकॉज उनकी पास बहुत बड़ी आर्मी थी, एंड जो नंदास थे वो बहुत ज्यादा रिच थे, एनॉर्मसली पावरफुल थे। एंड महापद्मानंद इज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हु इज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, महापद्मानंद। एंड महापद्मानंद को सक्सीड किया उनके 8 बेटों ने, जिसमें से धनानंद सबसे लास्ट था। एंड जो लास्ट किंग जो धनानंद था, वो पॉसिबली अगर देखा जाए तो ग्रीक टेक्स्ट में धनानंद को अग्रमेज या जैंड्रोमेड के नाम से बोला गया है। तो वही बोला गया है कि जो धनानंद थे वो पॉसिबली आइडेंटिकल हो सकते हैं, जो अग्रमेज या जैंड्रोमेद थे, जो ग्रीक टेक्स्ट में जो नाम आया है वो शायद धनानंद का ही नाम है। फिर ग्रीक राइटर जो कर्टिस थे ग्रीक राइटर, तो उन्होंने ये बताया कि जो धनानंद थे वो 2 लाख इन्फेंट्री, 60 कैवलरी, 2000 वॉर चैरियट, 3 to 6000 वॉर एलिफेंट्स, ये सब कैरी करते थे। ऑल दो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, बट स्टिल अगर देखेंगे एज कम्पेयर टू मीन्स अदर किंगडम, ऑल दो उस टाइम पे तो सब कुछ एनेक्स्ट कर लिया था मगध ने, नंदा डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट अभी कुछ एनेक्स्ट कर लिया था। सो कंपेरेटिवली देखें तो उनके पास थी लार्ज आर्मी, वेपनरी, इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर चैरियट्स उनके पास थे, बट हाँ जो अभी यहाँ पे नंबर जो ग्रीक राइटर कर्टियस ने बोले ये थोड़ा एग्जैजरेशन है। एंड ये जो ह्यूज आर्मी वो मेंटेन कैसे कर पाते थे, जस्ट बिकॉज जो टैक्सेस काफी ज्यादा हाई थे, इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम की वजह से वो इतनी आर्मी को वो मेंटेन कर पा रहे थे।
अगर हम ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क की बात करें तो जो नंदा आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मतलब जितना कर्टियस बोल रहे हैं उससे ज्यादा भी बड़ी थी, तो ये ज्यादा एग्जैजरेशन है। तो इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए हैवी टैक्सेस स्टेट के ऊपर दिए जाते थे, इंप्लॉय किए जाते थे। अगर हम धनानंद की बात करेंगे तो धनानंद के टाइम पे क्या था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन 326 BC। तो अलेक्जेंडर को एक तरीके से कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं धनानंद के। एंड जो आर्मीज थे नंदा के, दे नेवर फेस्ड अलेक्जेंडर बिकॉज अलेक्जेंडर कभी उस साइड मगध के साइड वो पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही चला गया था। सो नंदा अंडरटूक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एज वेल, और उन्होंने स्टैंडर्डाइज मेजर्स भी उन्होंने इन्वेंट किए फॉर ट्रेड अक्रॉस देयर एम्पायर। एंड उनके इफेक्टिव मिनिस्ट्री की वजह से, उनके इफेक्टिव मिनिस्टर्स की वजह से जो नंदा रूल था, जो नंदा डायनेस्टी थी, वो फ्लरिश हुई थी। अगर उनकी अनपॉपुलैरिटी की बात करें कि वो इतने अनपॉपुलर क्यों थे, इज जस्ट बिकॉज की फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन मीन्स वो इतना ज्यादा हाई टैक्स उन्होंने स्टेट के ऊपर, लोगों के ऊपर लगा दिया था, जिसकी वजह से लोग बोलते थे भाई कि ये एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक तरीके से लूटा जा रहा है। सो अनपॉपुलैरिटी प्रोबेबली इसी की वजह से थी, इस मेजर रीजन की वजह से थी, जस्ट बिकॉज हैवी टैक्स ड्यूटी की वजह से पीपल आर फीलिंग दैट हम लोग एक्सटॉर्ट हो रहे हैं। फिर नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड 322 to 321 BC के अराउंड, एंड फिर उसको मौर्य डायनेस्टी ने सप्लांट किया, एंड चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। ये बोला जाता है कि जो मौर्यन एज था वो अगर इतना ज्यादा पावरफुल, इफेक्टिव, इतना ज्यादा फ्लरिश्ड बना है, इज जस्ट बिकॉज उसके जो प्रेडिसेसर थे, स्पेशली जो नंदास थे, उनकी वजह से भी। बिकॉज विदाउट नंदास मौर्यन एम्पायर इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाता, इतना ज्यादा अचीवमेंट जो उसने की है वो नहीं कर पाता, बिकॉज नंदास की एक तरीके से, जब हम महापद्मानंद की बात कर रहे थे, तो महापद्मानंद ने काफी कुछ उन्होंने एनेक्स कर लिया था नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो काफी फ्लरिश किया था नंदा। एंड अगर हम कैवलरी की बात करें, उनके आर्मी की बात करें, तो उनकी आर्मी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छी थी। तो यही बोला जाता है कि जो मौर्यन एज का अगर क्रेडिट है कि वो इतने ज्यादा फ्लरिश किए हैं, तो वो नंदा को भी जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज उनके प्रेडिसेसर्स के अचीवमेंट्स काफी ज्यादा थे। अब अगर हम प्री मॉडर्न पीरियड की सोसाइटी की बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। सो देखो, डिवीजन ऑफ सोसाइटी तो हर जगह आपको मिलेगा, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि हम प्री मॉडर्न पीरियड में जो ब्राह्मणिज्म का, जो ब्राह्मणिज्म कल्चर था, उसका जो इफेक्ट था वो काफी कम हो गया था, बिकॉज हेटरोडॉक्स सेक्ट हमारे आ गए थे उस टाइम पे, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर जितने भी थे, वो सब आते हैं, अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो थे वो आ गए थे हमारे। था मतलब डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये सब थे, बट ब्राह्मण्स का जो कंट्रोल था, जो वैदिक पीरियड में हमने देखने को मिला है, वो इस पीरियड में इतना नहीं था। इस्टैब्लिश हुआ था इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम एज वेल, धर्म शूद्रास इस्टैब्लिश हुए थे, जो यू नो ड्यूटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड जो डिसेबिलिटीज है अलग अलग सोशल ग्रुप, वो इस्टैब्लिश करते थे। देन बोला जाता था कि जो हायर वर्ण, जितने ज्यादा आप हायर वर्ण के और जितने ज्यादा ऊंची कास्ट के, उतने ज्यादा आप प्योर हो और उतनी ज्यादा आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। फिर डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप्स हमारे उस टाइम पे भी थे, प्री मॉडर्न टाइम पे भी थे, शूद्रास पे वो इम्पोज किए जाते थे, एंड प्रिविलेजेस दिए जाते थे ब्राह्मण्स को। हाँ, बट अंधाधुन जो फॉलो करना ब्राह्मण्स को, वो इस टाइम पे नहीं होता था जैसा वैदिक पीरियड में होता था। सैक्रिफाइसेस एंड ऑल इस टाइम पे इतने नहीं होते थे जितना वैदिक पीरियड में होता था। सो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डिसेबिलिटीज स्टिग्मा वॉज देयर इन दिस पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, बट वो इतना ज्यादा क्लियर और प्रोमिनेंट नहीं था। तो शूद्रास को भी इस टाइम पे उपनयन रिसीव करने को नहीं दिया जाता था, एंड अगर ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है तो उनको सीवियर पनिश किया जाता था। जो हायर वर्ण के जो लोग थे वो शूद्रा की कंपनी में नहीं घूम सकते थे, जो फूड शूद्रास ने टच किए वो नहीं कर सकते थे, मैरिज रिलेशंस में नहीं एंटर कर सकते थे। देन जो रॉयल एजेंट्स थे, लाइक सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो एडमिनिस्टर करते थे, वो हार्श पनिशमेंट भी इनफ्लिक्ट करते थे। देन शूद्रास को हाईर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता था, एंड शूद्रास वॉज आस्क्ड टू सर्व द ट्वाइस बोर्न एज स्लेव, आर्टिसन एंड एग्रीकल्चरल लेबर। सो शूद्रास को एक तरीके से स्लेव, आर्टिसन एंड एग्रीकल्चरल लेबर की तरीके से ट्रीट किया जाता था। बट अगर हम जब नंदा की बात करते हैं, नंदा डायनेस्टी में आते हैं, मौर्यन एम्पायर में आते हैं, सो उसमें इनफैक्ट जो रूलर्स थे, देवर नॉट ऑफ द क्षत्रिय कास्ट, देवर नॉट ऑफ द आर्यन कास्ट, दे आर नॉन आर्यन इवन। बोला मैंने अभी आपको बताया, महापद्मानंद को बोला गया है कि वो शूद्रा से बिलोंग करते थे या वो बार्बर के बेटे थे। सो
एक तरीके से बाद में जाके ये थोड़ा सा चेंज आया, बट अगर हम इन ऑल बात करेंगे, सो होलिस्टिकली बात करेंगे, हाँ डिफरेंस उस टाइम पे भी था। इन दिस रिस्पेक्ट इवन जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे, उन्होंने भी जो पोजीशन थी शूद्रा की वो चेंज करने की नहीं सोची। और बहुत सिचुएशन में तो ये था कि अगर किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस नहीं भी किया तो उसको भी पनिश किया जाता था, इज जस्ट बिकॉज जो वेंजेंस, जो रिवेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा था, दैट इज टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर आई। देन नॉन वेदिक ट्राइबल प्रैक्टिसेस भी यू नो प्रोग्रेसिवली एसिमिलेटेड इनटू द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर एंड ब्राह्मणिकल लॉ गिवर्स डिड नॉट डिसरिगार्ड देम। देन कहीं कहीं पे ब्राह्मण्स ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले थे, लाइक लैंड्स के ऊपर, दैट इज लैंड को मत विजिट करो, इट इज इनप्योर एंड एवरीथिंग। देन वुमेन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको एजुकेशन या उपनयन रिचुअल्स या वोगा निकाज या कोर्टिसंस, ये सब दे प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द सोसाइटीज। सो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस थे वहां पे, धर्म सूत्रास स्टैब्लिश किए गए, ब्राह्मणिकल लॉ स्क्रिप्चर्स ये सब स्टैब्लिश किए गए, जिसमें ये बोला गया कि जो इंटरेस्ट बियरिंग लेंडिंग होती है, कि आप जो इंटरेस्ट के ऊपर जो आप लैंड्स देते हो, आप ये सारी जो प्रैक्टिसेस करते हो, दे कंडेम्ड दैट कि वो सही नहीं है एंड उसको सही नजरों से वो नहीं देखा जाता था। एंड ऑल्सो दे हैव अ हेट्रेड एंड दे डिसरिगार्ड द वैश्यास बिकॉज वो मनी लेते थे, बिकॉज सॉरी ये वो मनी देते थे लोगों को, उधार देते थे, जैसे देखते ना ट्रेडर्स, ट्रेडर्स आपको देते हैं, जमींदार देते हैं ना आपको, एक्सपैंड द ट्रेड एंड कॉमर्स। सो एक तरीके से वैश्यास को दे डिसरिगार्ड द वैश्यास एज वेल। फिर अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, सो वी ऑल नो इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज द आयरन रिजर्व बहुत ज्यादा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज्यादा था, फर्टाइल लैंड थी वहां पे मगध के रीजन में, सो दैट्स वे उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ। देन अगर मोनार्कीज की बात करें, गृहपतिज, तो उनके पास काफी ज्यादा लैंड था, रिपब्लिक्स राजकुलास के पास भी काफी ज्यादा लैंड था, वो फर्टाइल लैंड्स थे। देन जो स्लेव्स और लेबरर्स थे वो उन लैंड्स पे काम करते थे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर की तरह, एग्रीकल्चरल एग्री सो उनका जो एग्रीकल्चर था एक तरीके से काफी ज्यादा फ्लरिश किया, सो इकोनॉमी उनकी फ्लरिश करी। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ लैंड ये भी एग्जिस्ट करता था एंड एग्रीकल्चर काफी ज्यादा एडवांस हो गया था, इरिगेशन मेथड्स हमारे काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए थे, काफी नए क्रॉप्स भी डेवलप हुए थे लाइक रीही एंड साली, ये न्यू वराइटीज ऑफ राइस थे, लैंड को करिसा निवारतान एंड कुल कुल्यवापा यूनिट्स जो थे वैसे मेजर किया जाता था, एंड स्टेट लैंड्स को सीता बोला जाता था, क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन, वीट, बाले, लेंटिल, रेप सीड, मस्टर्ड, कॉटन ये सब कल्टिवेट किए जाते थे, एंड जो मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर थे वो शूद्रास परफॉर्म करते थे, एंड इवन यहाँ इंडस्ट्री और क्राफ्ट भी डेवलप हुए, लाइक अप टू 18 क्राफ्ट कॉर्पोरेशंस एंड गिल्ड्स हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशनड है, जो मॉडर्न एम्पायर पे है, एंड जो श्रेणी है उसको गिल्ड या कॉर्पोरेशन बोला जाता है, श्रेणीज या निगम्स उसको हेड करते थे बाय प्रमुख या प्रवारा या ज्येष्ठ, एंड श्रेणीज के पास खुद के लैंड होते थे जिसको आर्म्ड करते थे, मीन्स उनके पास गार्ड्स या श्रेणी बल भी थे, इनके खुद के कोर्ट होते थे जिसको श्रेणी न्यायालय बोला जाता था, श्रेणीज दे वर बाउंड टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको श्रेणी धर्म बोला जाता था, श्रेणी मेंटेन करते थे एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ये खुद के सीड्स भी सर्कुलेट करते थे, एंड दे आल्सो अडॉप्टेड लीडिंग बिजनेसेस ऑन अ स्मॉल स्केल। फिर अगर एग्रीकल्चर सरप्लस की बात करें, सो वो काफी ज्यादा था बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड एंड एवरीथिंग, वाटर एंड एवरीथिंग, इरीगेशन बहुत प्रॉपर था। देन क्राफ्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ था इस टाइम पे, कॉमर्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल। देन अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ द रूट्स वो रिवर्स को फॉलो करते थे, लाइक एक तक्षशिला से राजगृह देखेंगे तो वो सेवरल सिटीज से होते हुए जाता था एंड रिवर्स भी बीच में पड़ती थी। देन अगर हम मथुरा टू उज्जैन की बात करेंगे, देन उज्जैन टू महिष्मती की, सो फाइनली फिर वो बारुच सी पोर्ट पे जाता था, तो काफी ज्यादा यू नो सी रूट्स हमको देखने को मिलते थे जिसकी वजह से ट्रेड काफी फ्लरिश करता था। देन जो रूट था पाटलिपुत्र से चंपा टू द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्त इन वेस्ट बंगाल, तो ये रूट भी इनका काफी ज्यादा सही था जिसकी वजह से वो वेस्ट बंगाल में वो क्या कर पाते थे, वो ट्रेड कर पाते थे एंड वहां से वो लोग स्वर्ण भूमि के साइड ट्रेड कर सकते थे। सो ट्रेडर्स वो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी बाय द किंग्स एंड जो ग्रेट ट्रेडर्स थे वो बैंकिंग में भी इन्वॉल्व थे, वो उनके पास कॉइन्स थे पंचमार्क्ड एंड जो बैंकर्स थे उनको श्रेष्ठी बोला जाता था। पॉटर्स एक वाइटल पार्ट थे सिविलाइजेशन के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉटरी थी इस पीरियड की वो वाराणसी और पाटलिपुत्र के बीच में हमें देखने को मिली है, एंड ये नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस टाइम की
पोर्चुगीज को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ईस्टर्न इंडिया में ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलती है, उसके जस्ट बाद हमारी क्या आ जाती है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बट अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर के बाद पेंटेड ग्रे आती है, उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, सो ईस्टर्न में ब्लैक एंड रेड वेयर के बाद जस्ट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और वेस्ट में ब्लैक रेड वेयर के बाद क्या आती है, पेंटेड ग्रे वेयर आती है, एंड उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आती है। सो दिस इज ऑल, आई होप आपको समझ में आया हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो प्लीज रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, बिकॉज इससे छोटे छोटे प्री के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी वाले हो गए, जो कैपिटल शिफ्ट करने वाले हो गए, या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट उस टाइम का क्या था किसी भी पर्टिकुलर किंग का, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।